Scrambled eggs, bacon, biscuits, hash potatoes. Bro. काफी कुछ है. ये है oatmeal, eggs, hash potatoes, bread, jam, orange juice, fruit and some milk. चलो थोड़ा खा लेते हैं. ये दूध तो मैं रूम में ले जाता हूँ, बाद में पीऊँगा. तो सीन आज का ऐसा है, पहले तो मैं ये बता दूँ कि मैंने बहुत सारी ट्रिप्स पोस्टपोन तो की हैं, लेकिन ज़िंदगी में पहली बार एक ऐसा ट्रिप है जो मैंने वो मैं प्रीपोन कर रहा हूँ. सो यस, I was supposed to leave on Tuesday, पर आज है क्रिसमस द 25th December. मुझे मजबूरी में यहाँ से आज निकलना पड़ रहा है फॉर सियाटल. ऐसा क्यों है ये शायद दिख रहा होगा, ये बारिश नहीं हो रही, ये स्नो हो रही है. और ये छोटी मोटी स्नो नहीं है, बहुत ज़्यादा भारी स्नो है. ये रातों रात सारी गाड़ियाँ ऐसे ढक गई पूरे स्नो में. यहाँ पे अभी एक घंटा पहले शवल चला पूरी रोड पे, एंड फिर पूरी रोड जो है स्नो से ढक गई है. इवन द पार्किंग लॉट इज लाइक हाफ फीट सबमर्ज इन स्नो. तो इसकी ना शुरुआत हुई एक्चुअली 2 days back. जो वेदर प्रेडिक्शन था एक हफ्ते पहले, वो आज और कल का था सनी. बट 2 दिन पहले क्या हुआ कि यहाँ की जो काउंटी है, काउंटी माने बहुत सारी छोटी छोटी सिटीज़ को मिला के एक बहुत बड़ा ग्रुप बना दो, तो जो काउंटी है उन्होंने इशू करी नेशनल एडवाइजरी वार्निंग ऑफ अ स्नो स्टॉर्म, कि यहाँ आज और कल एक स्नो स्टॉर्म आने वाला है, जो कि ट्रू है, हम देख ही रहे हैं. तो ये जो स्नो है ये कल रात से पड़ रही है. मैंने यहाँ की रिसेप्शनिस्ट से भी पूछा, उन्होंने बोला कि कल रात से चालू होके अभी तक अराउंड 18 inches ऑफ स्नो पड़ चुकी है. 18 inches इन लेस देन 12 hours, दैट इज़ इनसेन. तो हमारा प्लान क्या था ना, वी वर सपोज टू ड्राइव ऑल द वे टू एंकरेज एंड हमारी फ्लाइट वहाँ से है. बट मैंने पिछले वीडियो में बताया था जो बार ड्राइव हमने करी थी वहाँ से यहाँ तक, वो वैसे ही इतनी चैलेंजिंग और मतलब काइंड ऑफ डेंजरस थी, एंड इस मौसम में तो मतलब नहीं करनी चाहिए. तो यहाँ के जितने ड्राइवर्स हैं ना, वो बहुत एक्सपीरियंस है स्नो में चलाने के लिए. मुझे कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है, तो वैसे भी मुझे नहीं करनी चाहिए थी वो ड्राइव, और अब तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए. इट विल बी अ नो ब्रेनर इफ आई डू दैट अगेन. तो हमारा प्लान जो था टू गो टू टॉलकीटना एंड डू दैट एयर टैक्सी, एंड जो अलास्का जू था, हमें काशनर ग्लेशियर ट्रेल करनी थी, डेनाली नेशनल पार्क जाना था, वो सब गया तेल लेने. तो हमने क्या किया, कल रात को यहीं से फेयरबैंक से ही सियाटल की फ़्लाइट बुक कर दी अलग से. तो प्रोग्राम यह है कि आज शाम को ही हम यहाँ से निकल रहे हैं. तो जो वेदर है ना,
वो इतना ठंडा नहीं है, दैट इज जस्ट लाइक -19 degrees Celsius एज ऑफ नाउ, बट जो स्नो पड़ रही है बहुत ज़्यादा डेंस एंड बहुत लगातार पड़ रही है। आई मीन ये फिर भी हल्की है, एक घंटा पहले तो मतलब जो तूफानी बारिश होती है ना वैसी स्नो पड़ रही थी। तो इट्स वेरी 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 रिस्की टू ड्राइव ऑन अ फ्री वे राइट नाउ, क्योंकि ये वाली रोड भी अभी ठीक से प्लोड नहीं है। तो फ्री वे पे जो यहाँ पे गाड़ियाँ 60 miles an hour पे चलती हैं या 50 पे भी चलती हैं, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगी ड्राइव, एंड इतने ज़्यादा ब्लाइंड स्पॉट्स क्रिएट हो जाएंगे कि मतलब बहुत रिस्क है जाने के लिए। इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो हम आज भी यहीं टाइम काटते और कल फ्लाइट लेके एंकरेज जाते, क्योंकि मंडे को वेदर क्लियर है, तो हमारा मंडे को कुछ हो जाता मे बी हम जू चले जाते। बट टालकिटना एयर टैक्सी और जो भी काशनर ग्लेशियर ट्रेल डेनाली नेशनल पार्क, वो सारे फेयरबैंक्स के बहुत पास हैं, तो वो सारे तो वैसे भी नहीं हो पाते। तो दो दिन वेस्ट करना फॉर द सेक ऑफ जू वॉज नॉट वर्थ इट। हमने सोचा छोड़ो, टाइम वेस्ट करने से अच्छा यहीं निकल जाते हैं। जो एंकरेज का होटल था वो रिफंडेबल था, तो वो तो सॉर्टेड है, बट हाँ फ्लाइट का जो नुकसान हुआ है उसका कुछ नहीं कर सकते। एंड जो हमने कार रेंटल बुक करी थी, मैंने उनसे बात करी कि हम जल्दी रिटर्न कर रहे हैं एंड डिफरेंट लोकेशन पर रिटर्न कर रहे हैं, तो आप उसकी कॉस्ट को इसके साथ कंपनसेट कर दो, क्योंकि वो लोग एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे थे फॉर रिटर्निंग इट टू फेयरबैंक्स रादर देन एंकरेज। तो मैं वो मान गए हैं, तो वी विल बी रिटर्निंग द कार एट द फेयरबैंक्स एयरपोर्ट टुडे इंस्टेड ऑफ एंकरेज। ये देखो यार, मैं 5 मिनट खड़ा हुआ बाहर स्नो में और क्या हालत हो गई है। एंड जो यहाँ का मौसम है ना, डेडली डेडली है। इट्स नॉट अ नॉर्मल कोल्ड, इट्स अ डेडली कोल्ड। मतलब मैं फिर भी थोड़ा लाइट लिया, बट आई वुड सजेस्ट कि जो भी यहाँ पे आ रहा है प्लीज़ इसे लाइटली मत लेना, प्लीज़ प्रॉपर प्रोटेक्शन एंड कंजूसी मत करना, अच्छा गियर लेके आना, क्योंकि कहीं से भी ठंड लग गई ना तो मतलब लेने के देने पड़ सकते हैं। एंड यहाँ पे फ्रॉस्ट बाइट्स जो हैं बहुत कॉमन है, तो प्लीज़ हर चीज़ को कवर करके रहना हमेशा। बिकॉज़ जब मैं स्नोमोबाइल टूर पे गया था ना, तो उन्होंने बताया कि वाइल रेसिंग देर वॉज अ गाय, ही गॉट अ फ्रॉस्ट बाइट ऑन हिज फेस डिस्पाइट ऑफ हिज कवरिंग। तो मतलब जब उनको हो सकती है तो हमें तो हो ही सकती है, हमें तो पता भी नहीं फ्रॉस्ट बाइट होती क्या है। तो इसलिए प्लीज़ प्रोटेक्शन लेके आना अच्छे से, पूरा जितना कवर कर सकते हो बॉडी उतना करना। एंड जो यहाँ के लोगों के बारे में बता रहा था ना, मतलब रिस्पेक्ट है इस मौसम में जो रह रहे हैं और सर्वाइव कर रहे हैं एंड डूइंग देयर जॉब्स, मतलब हैट्स ऑफ यार। मेरे से तो मतलब एक हफ्ता, मेरे को पता है कि मेरे को जाना है इसलिए मैं ठीक हूँ, बट मतलब जिसको यहाँ रहना है, जो पर्पसली शिफ्ट हुआ है यहाँ पे, मतलब और जो डॉग स्लाइडिंग वाले लोग हैं उनके लिए तो मैसिव रिस्पेक्ट। मतलब जो लोग, मैंने पहले भी बताया कि जो लोग पैशन फॉलो कर रहे हैं ना, ये नहीं देख रहे कि पैसे कितने आ रहे हैं नहीं आ रहे, उनके लिए तो दिल से रिस्पेक्ट निकलती है। एंड हाँ, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट बेनिफिट देती है इफ़ यू प्लान टू बिकम अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ अलास्का, तो आई थिंक अराउंड $2,000 शायद पर मंथ मिलते हैं या पर ईयर, आई थिंक पर मंथ ही होगा, फ्री में, कुछ नहीं कर रहे हो बस यहाँ मूव हो जाओ, $2,000 पर मंथ गवर्नमेंट देगी यहाँ रहने के लिए, प्लस नो सेल्स टैक्स और मतलब और भी बेनिफिट्स होंगे जो मुझे पता नहीं। एंड काफ़ी बहुत ज़्यादा महंगी स्टेट नहीं है, सस्ती है, तो अगर रिटायर्ड लाइफ वगैरह जीनी है तो मतलब काफ़ी अच्छी है इफ़ यू लाइक कोल्ड वेदर ऑफ कोर्स। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, जिन लोगों के पास भी आईफोन है ना उन लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आई डोंट नो बाकी फ़ोन के साथ ये होती है कि नहीं, बट आईफोन के साथ तो पक्का होती है कि इतने कोल्ड वेदर में कुछ तो बग है आईफोन में या हार्डवेयर इशू है कि बंद हो जाता है एकदम से दिखाता है बैटरी इज़ 5%, जबकि बैटरी फुल होती है या मतलब काफ़ी अच्छी ज़्यादा स्टेट में होती है, एकदम से दिखाता है 5% एंड सडनली इट स्विच इज़ ऑफ। तो मैंने नेट पे पढ़ा तो था कि कुछ कोल्ड वेदर में कुछ तो होता है आईफोन में, तो ये बड़ा इशू फेस हुआ कि मैं बाहर जाके कुछ शूट कर रहा हूँ एंड फिर बंद हो गया एकदम से। तो मुझे गाड़ी में आना पड़ा, मैंने चार्जिंग पे लगाया, 2 मिनट में 60% चार्जिंग, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब कुछ और ही था कि वो जो बैटरी की स्टेट है वो ठीक से रीड नहीं कर पा रहा। ये देखो हमारी गाड़ी के ऊपर रातों रात इतनी स्नो भर गई है, मुझे सारी शवल लेके साफ़ करनी पड़ेगी। एंड मैं एक और दिखाता हूँ दिक्कत क्या हुई, हमने क्या गलती करी, हमने यहाँ बूट में पानी रखा हुआ था और ये देखो सारी बॉटल्स बर्फ़ बन चुकी हैं, नो यूज़।
तो ये सारी अभी रूम में ले जानी पड़ेंगी, गर्म करके कुछ कुछ करना पड़ेगा। रूम में ले आया मैं फाइनली बॉटल, इतनी तगड़ी बर्फ जमी हुई है। सब सोच रहे होंगे मैं मास्क नहीं पहना हुआ, तो अलास्का इज अ मास्क मैंडेट फ्री स्टेट, लाइक वन ऑफ द फ्यू स्टेट्स, जैसे टेक्सास है, फ्लोरिडा आई थिंक, ऐसी अलास्का भी है, मे बी बिकॉज पॉपुलेशन इतनी कम है एंड यहाँ इतना कभी फैला भी नहीं। बट पता नहीं अभी ओमिक्रॉन में फिर से मास्क मैंडेट लगा दें, लेट्स सी, बट तब तक तो अभी तक तो नहीं है। स्टिल आई वुड रेट दिस ट्रिप वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे यू गेट टू डू थिंग्स जो बाकी जगहों पे नहीं कर सकते, जैसे स्कीइंग है। स्कीइंग तो आप कहीं भी कर सकते हो, ऑन अ स्की रिजॉर्ट चले जाओ या जहाँ छोटी मोटी स्नो पड़ती है, बट यहाँ पे जैसे डॉग स्लेडिंग है मैंने तो कहीं नहीं देखी। और जो यहाँ के कल्चर के बारे में जानने को मिलता है दैट इज़ ऑल्सो फैसिनेटिंग। तो ठीक है, इतना रिग्रेट नहीं है कि दो दिन पहले जाना पड़ रहा है, बट ये भी एक एक्सपीरियंस है कि ट्रिप प्री पॉन करके स्नो स्टॉर्म में पहली बार वहाँ जाना पड़ रहा है। तो कोई बात नहीं, मैं मतलब 5 मिनट के अंदर बाहर निकलता हूँ ना, पूरा मतलब मेरी जैकेट स्नो में ढक जाती है, इतनी तेज़ स्नो पड़ रही है। तो ब्लॉग को इधर तक ही रखता हूँ। आई होप यू इन्जॉयड दिस होल अलास्का सीरीज़। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट, एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड या एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एयरपोर्ट, बहुत तेज स्नोफॉल हो रही है यहाँ पे, दिख ही रहा होगा।